उधर नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा से पास हुआ। वोटिंग के दौरान शिवसेना ने सदन से वॉकआउट किया। हालांकि इससे पहले लोकसभा में शिवसेना इस बिल का सपोर्ट कर चुकी है, लेकिन राज्यसभा में शिवसेना के रुख से कांग्रेस खफा हो गई। अब सवाल यह है कि कहीं सीएबी की आंच महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में दरार के तौर पर तो नहीं उभरेगी। रिपोर्ट देखिए। शिवसेना ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और वॉकआउट कर दिया। हालांकि लोकसभा में शिवसेना के सांसदों ने बिल के समर्थन में वोट दिया था। माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान महाराष्ट्र में अपनी सहयोगी शिवसेना के स्टैंड से खुश नहीं है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने उद्धव ठाकरे से बात की है और दो टूक कहा है कि नागरिकता बिल जैसे मुद्दों पर पार्टी का स्टैंड भविष्य में गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। बता दें कि लोकसभा में शिवसेना के स्टैंड पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इशारों इशारों में नाराजगी जताई थी। हालांकि अभी कांग्रेस के नेता इस मामले पर ये दलील जरूर दे रहे हैं कि राज्यसभा में शिवसेना ने इस बिल पर अपना विरोध स्पष्ट तौर पर दर्ज कराया था, लेकिन इस बिल के विरोध में वोटिंग न करने पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने शिवसेना के इस रुख से हलचल जरूर है। देखिए, कल राज्यसभा में भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में बहस हुई, वोटिंग हुई, बिल पास हो गया और विपक्षी दलों ने एकजुटता की कोशिश की। शिवसेना के द्वारा लोकसभा में बिल का समर्थन दिया था, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने बिल का विरोध किया और कहा कि हिंदुत्व का पाठ भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को ना पढ़ाए, पूरे देश को बांटने का काम ना करें। जो बहुत से सवाल हैं उन सवालों का जवाब नहीं आया और इसीलिए उन्होंने जो लोकसभा में बिल के समर्थन में वोट दिया था वो नहीं दिया। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से सीधे तौर पर बिल का समर्थन लोकसभा में करने पर नाराजगी जताई थी। कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया के बाद ही उद्धव ने कहा था कि पार्टी के सांसदों ने स्पष्टता नहीं होने के कारण समर्थन में वोट किया। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि शिवसेना अपने स्टैंड में बदलाव करेगी। हालांकि राज्यसभा से वॉकआउट का फैसला भी कांग्रेस की नाराजगी को कम नहीं कर सका है। न सिर्फ वहां एक संदेश दिया, हमने जो पोजीशन सदन में लिया उसके पीछे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरी पूरी पार्टी, नेता प्रतिपक्ष खड़े थे और उनकी ये भी इच्छा है कि एक दिन का भारत बंद का कॉल दिया जाए। क्योंकि देखिए, संसद अगर असंवेदनशील होने लगेगी ना तो सड़क को संवेदनाएं बढ़ानी होंगी और वही कोशिश नेता प्रतिपक्ष कर रहा है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल शिवसेना के राज्यसभा में बिल के विरोध में वोट नहीं करने से निराश हैं। लोकसभा में ही शिवसेना के बिल के समर्थन में वोट करने के कारण कांग्रेस पार्टी काफी नाराज है। हालांकि शिवसेना की ओर से इस मामले पर अपना स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट किया गया और ये कहा गया कि शिवसेना एक स्वतंत्र पार्टी है और इस बिल पर कुछ सवालों के जवाब सरकार से नहीं मिल पाए, जिसके चलते पार्टी को नहीं लगा कि इसका समर्थन या विरोध करना चाहिए। हमने हमारी बात रखी है और हम एक स्वतंत्र पार्टी है, अपनी भूमिका है। खैर, फिलहाल शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को आंखें तरेर रही है। वहीं कांग्रेस की नाराजगी पर शिवसेना के स्टैंड पर संशय बना हुआ है। दरअसल शिवसेना को लगता है कि नागरिकता संशोधन बिल के जरिए बीजेपी हिंदुत्व पर एक बड़ा दाव खेल रही है और शिवसेना इस बिल का विरोध करके अपनी पारंपरिक छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन अब सवाल यही है कि एक तरफ हिंदुत्व की नींव पर टिकी पार्टी की छवि है तो वहीं सेक्युलर विचारधारा से बना महाराष्ट्र का नव निर्मित गठबंधन शिवसेना के लिए इन दोनों को साथ लेकर चलना सबसे बड़ी चुनौती है। सवाल ये भी है कि आखिर केंद्र की राजनीति में अपने बीजेपी के प्रति सॉफ्ट स्टैंड से नाराज हुई कांग्रेस को शिवसेना कैसे मनाएगी। राजनीति डेस्क, जनता टीवी।